राजनीति में अरविंद केजरीवाल की ये देन है कि जाति धर्म हिंदू मुसलमान से निकलकर राजनीति आज स्कूल और अस्पताल पे आ गई। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमने अब आमंत्रित किया। दिल्ली के हमारे विधायक सौरभ भारद्वाज जी ने कहा आइए हमारा सरकारी स्कूल देखिए। स्कूल इतना अच्छा था कि बीजेपी वाले गांधी जी के बंदर बन गए, बोले आंख बंद कर रहा हूं मुझे दिखाई नहीं दे रहा। स्कूल देखने को तैयार नहीं हुए, स्कूल के बाहर से ही भाग गए। कल हमारे विधायकों ने कहा, हमारे नेताओं ने कहा हम आपके स्कूल देखेंगे। और बीजेपी के जो स्कूल थे 15 साल एमसीडी में जहां शासन रहा बीजेपी का, जब वो सरकारी स्कूल देखे गए, उनकी दुर्दशा सामने आई, तो आपको जान के हैरानी होगी। कई स्कूल ऐसे हैं जिनको आप देख के कहेंगे ये भूत का महल है, ये खंडहर है, लेकिन उसमें गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। यह है बीजेपी के स्कूलों की दशा। और आज मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में कितने सरकारी स्कूल भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में बंद हुए, और उसमें नंबर एक पर अगर कोई प्रदेश है तो उस प्रदेश का नाम है उत्तर प्रदेश। मैं सूची पढ़ रहा हूं आपके सामने। उत्तर प्रदेश में 25,577 सरकारी स्कूल बंद हुए। उत्तर प्रदेश में 25,577 सरकारी स्कूल बंद हुए। मध्य प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है 22,824 सरकारी स्कूल बंद हुए। आसाम में जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है 6,271 सरकारी स्कूल बंद हुए। उत्तराखंड जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है 1,101 सरकारी स्कूल बंद हुए। कर्नाटका जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है 633 सरकारी स्कूल बंद हुए। इस प्रकार से मिलाकर हरियाणा सहित तमाम राज्य हैं जहां पर सरकारी स्कूल बंद हुए। सरकारी स्कूल बंद हुए तो मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश में आगे आदित्यनाथ जी से। आदरणीय आदित्यनाथ जी, आप मुझे बताइए आज भी हमारे बच्चे टाट पट्टी पर बैठ के क्यों पढ़ते हैं? आज भी उनके लिए डेस्क बेंच का इंतजाम क्यों नहीं है? आज भी सरकारी स्कूलों में, प्राथमिक विद्यालयों में, जूनियर हाई स्कूल में गाय भैंस गोबर कैसे करती हैं? बताइए आदित्यनाथ जी, सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। 26,000 सरकारी स्कूल, लगभग 26,000 सरकारी स्कूल उत्तर प्रदेश में कैसे बंद हो गए? क्या कर रहे हैं आप हमारे बच्चों के भविष्य के साथ? गठौर, सोनभद्र में एक जगह है, वहां भी पिछले दिनों समाचार आया छोटे छोटे मासूम बच्चों को नमक रोटी दी गई मिड डे मील में खाने के लिए। देवरिया में समाचार आया, टीवी चैनल ने चलाया भी इसको, भात और नमक दिया जा रहा है बच्चों को खाने के लिए। जब बच्चों से पूछा गया बच्चे केला मिलता है नहीं मिलता, दूध मिलता है नहीं मिलता, दाल मिलती है भात के साथ नहीं मिलती, ये बच्चों के जवाब है, वीडियो देख लीजिए आप। और तो और ये एक बहुत ही चौंकाने वाला मामला कन्नौज का है, कन्नौज का है। देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, कन्नौज के अंदर क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश में एक बच्चे ने जब शिकायत की कि मिड डे मील में हमें ठीक से खाने को नहीं मिलता, तो उसको मार मार के पीठ उसकी लाल कर दी गई। जब सूचना मिलती है कि मिड डे मील की शिकायत कर रहे हैं बच्चे, तो मिड डे मील ठीक नहीं किया जाता, बच्चों को ठीक कर दिया जाता है, बच्चों को पीटा जाता है, उनकी पीठ लाल कर दी जाती है। तिमाही परीक्षा, एक तरफ बीजेपी लगातार आबकारी नीति के खिलाफ, आम आदमी पार्टी पर सवाल।